तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। ये बताने वाला हूं Redmi, Poco, Xiaomi के डिवाइस में जब भी आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है और ये जो सॉफ्टवेयर का अपडेट आपके पास आता है, मान लीजिए 2 GB का अपडेट आ गया, 3 GB का अपडेट आ गया और आपके मोबाइल में जो डाटा लिमिट है वो 1.5 GB 2 GB का आपने यहाँ पे भरा के रखा हुआ है, तो होता क्या कि जो भी लंबा सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो वो अपने डाटा लिमिट से उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से यूज़र ने मुझे यहाँ पे पूछा था कि सर ऐसा एक ट्रिक बताइए जिससे मैं यहाँ पे 1.5 GB के डाटे से ही मैं 3 GB का यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट कंप्लीट कर सकूँ। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास डाटा लिमिट है, आपके मोबाइल में डाटा लिमिट आपने भरा के रखा हुआ है, तो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों होता है क्या है कि अगर आप अबाउट फोन सेक्शन में जाते हैं, अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद MIUI वर्जन में जो भी आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिलता है तो आपको वहां पे डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और डाउनलोड पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का अपडेट वहां पे डाउनलोड होना चालू हो जाता है और वहां पे जैसे आप क्लिक करते हैं, पॉज करते हैं तो आपने देखा होगा फिर से वहां पे रिसेट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, अपने मोबाइल में स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद सबसे पहला आपको प्रोसेस क्या कंप्लीट करना है, अपने मोबाइल के जो आपको फाइल मैनेजर वाला फोल्डर देखने मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में एक आपको फोल्डर देखने को मिलेगा, उस फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फोल्डर देखने को मिलेंगे, वहीं पर एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड वाला फोल्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करना ऊपर में जैसे आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको एक डाउनलोड रोम वाला फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर को आप वहाँ पे डाउनलोड करते हैं अबाउट सेक्शन में जाने के बाद उसको पॉज कर देते हैं, फिर से दोबारा यहाँ पे रिसेट देखने को मिलता है, तो बार बार यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनता चला जाता है और ये काफ़ी सारे जब यहाँ पे बन जाते हैं और देन दोस्तों अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट कंप्लीट कर लेते तो आपने देखा होगा फिर से वहाँ पे ऑटो बैक हो जाता है, फिर से रिसेट आपको देखने को मिलता है और फिर से वो सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इस बग्स को आपको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और डाउनलोड रोम वाला जो फोल्डर देखने को मिल रहा है इस पर आपको टैप करके रखना है और टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे में डिलीट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इस फोल्डर को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ऊपर में आप देख सकते हैं ये फोल्डर यहाँ पे डिलीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स वाले ऑप्शन में जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज ऐप्स में और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड लिखने के बाद दो फोल्डर आपको डाउनलोड के देखने को मिलेंगे, तो सिंपली क्या करना है, दोनों फोल्डर पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसका क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा आपको कंप्लीट कर लेना है। तो पहला मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, दूसरे पे क्लिक करूंगा और इसका भी मैं यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा कर लेता हूँ। ये दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम एप्स अपडेटर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम एप्स अपडेटर, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसका भी आपको क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने दोस्तों यहां पे कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है। अब बैक होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अबाउट फोन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद MIUI वर्जन पे जाना है। MIUI वर्जन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड पोस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे चेक फॉर अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट अगर आपके पास आता है तो वो सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे नीचे में आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। डाउनलोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा और जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पर फिर से क्लिक कीजिएगा तो वो यहाँ पे पॉज हो जाता है और पॉज होने का फिर से आपको 1% से यहां पे चालू हो जाता है। तो अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं आया है, फिर भी मैं आपको यहां पे प्रोसेस बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं अगर मैं यहां पे 3 डॉट में जाता हूं और डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज वाले पे क्लिक करता हूं तो नीचे में देखिए यहां पे डाउनलोड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 0% यहां पे दिख रहा होगा और कुछ देर के बाद यहां पे देखिए डाउनलोड होना चालू हो चुका है और चालू होने के बाद यहां पे 1%, 2%, 3% इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ऊपर में देख सकते हैं मेरा डाटा चल रहा है और 1% यहां पे कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि आपका यहां पे 10% कंप्लीट हो गया, 20% कंप्लीट हो गया, 30% कंप्लीट हो गया और ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिला इस पर जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पॉज ना होके आपका यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है फिर से रिसेट हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है।
यहां से बैक होने के बाद आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां पे डाउनलोड वाला जो एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा, मैं यहां पे एग्री पे क्लिक कर देता हूं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं 136 MB कंप्लीट हो चुका है, 184 MB यहां पे कंप्लीट हो रहा है, यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये जीप फाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको एक प्ले वाला ऑप्शन देखने को मिला, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहाँ पे पॉज हो चुका है। और दोबारा अगर फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 237 MB कंप्लीट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे देखिए 241 MB देखने को मिल रहा है, 249, 250। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे पॉज किया तो यहाँ पे रिसेट नहीं हुआ है, वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे 250 MB यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आगे से यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो आप यहाँ से पॉज प्लेस करके आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50% आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, डाटा कंप्लीट हो गया, तो आप यहां पे क्या कीजिएगा, इसको यहां पे पॉज कर लीजिएगा और पॉज कीजिएगा, यहां पे पॉज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, फिर से इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये सॉफ्टवेयर का अपडेट यहां पे दोबारा होना चालू हो जाएगा। पर दोस्तों आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि आपको अपने मोबाइल को एक बार भी यहां पे स्विच ऑफ नहीं करना है, ना यहां पे रिबूट करना है, ना आपको यहां पे क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा करना है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको जैसा यहां पे मोबाइल है वैसा आपको यहां पे यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।